आप कौन? मुझे मेघा से मिलना है। वैसे ना आपको किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो बिंदास बल्लू को याद करना। हमारे रिश्ते के बारे में पापा को पता चला तो उन्होंने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी। ये हमारे पति के प्यार की निशानी है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जाके देख कौन आया है। आप कौन? मुझे मेघा से मिलना है। अच्छा, आपको मेघा से मिलना है? जी। आइए ना मेघा भाभी। मेघा भाभी आइए ना। मेघा भाभी। हाँ आई आई। आपसे कोई मिलने आया? आइए ना। सोनिया तुम? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? बता दिया होता। अब यार तेरी शादी मिस कर दी थी तो सोचा यहाँ आके तुझे सरप्राइज दे दूँ, और इसी बहाने तुझसे और जीजा जी से भी मिलना हो जाएगा। बहू कौन है ये? ये हमारी बेस्ट फ्रेंड सोनिया, और ये हमारे माँ जी, और ये हमारे हस्बैंड, और ये हमारे देवर जी बल्लू। अगर आप लोगों को कोई इश्यू नहीं है तो मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें क्यों इश्यू होगा? आप जितना मन करे उतना रुके यहाँ पे। इनफैक्ट आप यहाँ पे आई, आपने बहुत अच्छा किया। बल्लू जी भैया खड़े हो के मुंह क्या देख रहा है? सामान उठा और सोनिया जी को गेस्ट रूम में लेकर जा। आइए ना फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। ओके। ये कब तक रहेगी? अम्मा हमको क्या पता ये कब तक रहेगी। आ गई है तो इतनी जल्दी तो नहीं जाने देंगे इसको। ये रहा आपका रूम, ये वॉशरूम और ये अलमारी। वैसे जीजा जी को तो शादी के फोटो में देख लिया था, आपको नहीं देखा था? वो शादी के काम धाम में ना मैं ज्यादा बिजी था, इसलिए पिक्चर में नहीं आया। वैसे तो मेरा इंट्रो हो चुका है, मेघा भाभी का देवर। नाइस टू मीट यू बल्लू। सेम हियर। वैसे ना आपको किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो बिंदास बल्लू को याद करना। ओके, यू आर वेरी क्यूट। बल्लू तू अभी तक यहीं खड़ा है?
जाके रसोई में भाभी का काम में हाथ बैठा, चल जा। सुनिए जी, वैसे कैसा लगा कमरा आपको? कमरा बहुत सुंदर है। है ना? अरे हाँ, हम तो आपको बताना भूल ही गए, वो हमने ना मेघा से आपका मोबाइल नंबर ले लिया है और आपको व्हाट्सएप पे हाई भी कर दिए, नंबर सेव कर लीजिएगा। जी जरूर। अच्छा मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मेघा मेरा वेट भी कर रही हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, भूल लीजिए आप, हम चलते हैं। बल्लू बल्लू बल्लू। सोनिया जी आप सेट, ये तो सपना था। सोनिया जी अच्छा मेघा, हम ये कह रहे थे कि देखो सोनिया केवल तुम्हारी दोस्त ही नहीं है, वो हमारी साली भी है, इस नाते वो हमारी आधी घरवाली भी हुई, देखना उसे हमारे घर में कोई कमी ना हो। अरे सोनिया आओ आओ। I'm so sorry. मैंने इतने रात दिए आप दोनों को डिस्टर्ब किया, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो क्या मैं आज रात मेघा के साथ यहीं सो जाऊं? हम बात करते करते सो जाएंगे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तुम्हारा ही घर है। हाँ एक काम करो, तुम और मेघा यहीं सो जाओ, हम बाहर सो जाते हैं, तुम्हें कोई परेशानी होगी ना तो तुम मेरे पास आ जाना। मेरा मतलब तुम मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। मेघा तुम दरवाजा बंद कर लो। ये निशान कैसे लगा? ये हमारे पति के प्यार की निशानी है। क्या मतलब? हर रात जगदीश हमारे साथ जबरदस्ती संबंध बनाते हैं और चील की तरह हमारे शरीर को नोच लेते हैं। मैडम दो, मैं लगाती हूँ। कहाँ है? रहने दो, हमें इस चोट की आदत हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है। बताओ मलहम कहाँ है? बस एक हफ्ते का और समय दे दीजिए जगदीश भैया, आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। हो गया? हाँ? देखो सराफत से बोल रहे हैं, दो दिन के अंदर अगर पूरा का पूरा पैसा हमको वापस नहीं किया ना, तो ये बंदूक की सारी गोली तुम्हारी खोपड़ियों में उतार देंगे। गोली मत चलाना भैया जी, आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। वही में तुम्हारी भलाई भी होगी, समझ गए? चल निकल यहाँ से। ए, उसका पैर छूने को जरूरत नहीं है, चल निकल। ठीक है भैया जी। ए, पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, हाँ जाके वसूली क्यों नहीं करता? भैया वसूली के लिए बाहर नहीं जाने देते हैं। अरे क्या बात कर रही हो अम्मा, हाँ इसका थोबड़ा देके कोई पैसा देगा इसको? अरे इस साला तो हमारा भाई कहलाने लायक भी नहीं है, शर्म आती है हमको। मनहूस कहीं का, अबे घुरका रहा इसे। हाँ? चल जाके अच्छे से कमरे की सफाई कर, निकल। आँख खोल के सफाई कर, कल जैसी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, समझा? तो चल जा।
क्या बात है बहू, सुबह से देख रही हूँ बड़ी खिली खिली सी लग रही है, लगता है तेरी सहेली आने की खुशी में बहुत खुश हो गई है। वैसे कब जा रही है तेरी सहेली? हमें नहीं पता माँ जी, हम पूछ कर बताते हैं। अरे अरे, कोनो पूछने वाली बात है? कोनो जरूरत नहीं है पूछने उछने की। और अम्मा एक बात बताओ, वो यहाँ चाहे कितने भी दिन रहे, तुमको काहे चुन्ना काट रहा है? वैसे मेघा, सोनिया है कहाँ? दिखाई नहीं दी। वो नहाने गई है। आप? अरे जीजा हूँ तुम्हारा, इतना तो हक बनता है ना। सोनिया, मैंने कहा ना जीजा हूँ तुम्हारा। अच्छा मैं तो बताना भूल ही गया, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, तुम आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। आप जाइए, मैं बस 5 मिनट में आई। जल्दी आना। अच्छा पर बिना चैन बंद किए लाओ, मैं बंद कर देता हूँ। जल्दी आना। जी सॉरी बोल दिया है। सॉरी बोल दिया? सॉरी के बच्चे, तेरा सॉरी तो मैं भी निकालता। चल चल, सुनियों के बच्चे जुदा ही है। भैया तुझे अभी सॉरी देता हूँ मैं। भैया बहुत हो गया, काफी दिनों से तेरा नाटक देखा मैं। नहीं, पैरों में थोड़ी सी मोच आई है, ठीक हो जाएगा, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसकी वजह से आज तुम्हें तकलीफ पहुंची ना। और मैं छोड़ दीजिए, चल अंदर, चल तुझे आज तेरी खाल उधर कर दूंगा। चल तुझे आज, हां तुझे तो मैं, चल तू, चल तू। बहुत हो गया, काफी दिनों से तेरा नाटक देखा मैं। नहीं भैया, काफी दिनों से तेरा नाटक देखा। नहीं भैया, सॉरी चाहिए भैया ने हंटर से बहुत मार। इस घर के लिए कलंक हो, मनहूस हो इस घर के लिए। कोई इज्जत नहीं इस घर में मेरी, ना माँ मुझे पसंद करती है और ना ये भाई। ऐसे जिंदगी से अच्छा कि खुद को खत्म कर लो। बल्लू, सोनिया जी आप आज जो भी हुआ ना, मुझे उसका बहुत दुख है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई अपने छोटे भाई को ऐसे दरिंदे की तरह कैसे मार सकता है। मैं मलहम लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। बस 2 मिनट हो गया। वैसे बल्लू तुम बहुत क्यूट हो। आप भी बहुत क्यूट हो सोनिया जी। चलती हूँ। अच्छा सोनिया जी, बताओ ना क्या सरप्राइज है? यहीं पे रहूंगा, हिलना मत। आऊं? वाओ,
ये तुमने सजाया है? कैसा लगा? आज की रात बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, और ये ड्रेस तुम्हारे लिए। कितनी जचेगी तुम पे। वाह, ये तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तुमसे प्यारी नहीं, और आज मैं अपने हाथों से तुम्हें रेडी करूंगी। वहां पर यहाँ पे कोई आ गया तो, और हम दोनों को ऐसे देख, मैं हूं ना। अब मैं तुम्हें ड्रेस अप करूंगी। गया है हमको है? अरे इतना पैग पी लिए इसके बाद भी वो सोनिया का चेहरा हमारी आंखों से हटे नहीं रहा है। अब लगता है कि आज की रात हमको कुछ बड़ा करना होगा, तब जाके हमारी भूख। सोनिया, मैं कैसी लग रही हूं? सोनिया, दरवाजा खोलो। क्या बात है? हाँ, बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में तुम। वो बहुत गजब का माहौल बना के रखी हो। स्पेशल कर रही थी। अब वो मैं रील्स बना रही थी ना, तो ऐसा सेटअप चाहिए था। आपको कुछ काम था क्या? कुछ काम था आपको? बहुत बड़ा वाला काम है। सुनो ना, मेघा, पूरा मूड खराब कर दिया इसने। हम जल्दी से जाकर चेंज कर लेते हैं। अब इन्हें भी यहां से लेकर जाना होगा। हाँ, तुम चलो जल्दी से। क्या लग रहा है हमें शेरवानी में? हमारी और सोनिया जी की जोड़ी क्या लगेगी? सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हमें तो लगा कि हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन हमारी लाइफ में सोनिया जी को भेज दिया। हम कल ही मम्मी और भैया से बात करेंगे कि हम सोनिया जी से बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। आई लव यू सोनिया जी, आई लव यू। कहा बोले बल्लू, तुम ब्याह करोगे? अम्मा ही ब्याह करेंगे। लगता है बल्लू को उसकी कदकाठी की कोई लड़की मिल गई है, इसलिए इतना उतावला हो रहा है। क्यों? अरे
एक बात बताना, तुम लड़की का नाम कहा है जो तुमसे ब्याह करना चाहती है? हम भी तो जाने कि किसकी किस्मत फूट गई है। बोला बोला सोनिया। सोनिया हाँ माँ, पागलों की तरह प्यार करते हैं उनसे। कौन सोनिया? वही मेघा भाभी की दोस्त। पगला गया है हा? खोपड़ी फिर गई है तेरी हा? एक बात सुन ले, तेरी औकात नहीं है उसका नाम भी अपने जबान से लेने की। बिगड़ा तो बहुत दूर की बात है, जान ले लेंगे तुम्हारी हम। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, उसकी जान लेगा क्या? बैठ जा, बैठ जा। छोड़ो अम्मा, एक बात सुन ले, जैसे गधे के सर पे कभी सींग नहीं हो सकती ना, वैसे ही तेरे खोपड़ी पे कभी सेहरा नहीं जा सकता है। देख तेरा भाई ठीक कह रहा है, तेरी किस्मत में ना शादी नहीं है। तू सिर्फ घर के काम कर, जा बेटा जा, जा जाके घर के काम कर, जा 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 जा। ब्याह करेंगे। एक तो तुम्हारा पति मेरे पे डोरे डाल रहा है, और तुम्हारा देवर वो मुझे शादी करने के सपने देख रहा है। अजीब है यार। जो भी हो रहा है ना, कुछ ठीक नहीं हो रहा। जितनी जल्दी हो सके तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हारा सब कुछ भी गलत हो। हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। हम भी नहीं चाहते सोनिया, सच कहूं तुम्हारे आने के बाद से हमारी खुशियां लौट आई है। कब से चल रही सब? कब से चल रही सब? आप उसे कुछ मत कीजिए। पहले अपनी बीवी से निपट लो, उसके बाद तुझसे भी निपट लूंगा। हमने पूछा कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब बोल। हमारे और सोनिया के बीच में सालों से संबंध है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर इसकी मजबूरी थी कि इसे शादी करनी पड़ गई। अच्छा, मतलब हमारे नाक के नीचे इतना बड़ा कुकर्म होता रहा, पर तुम दोनों ने हमें पता तक नहीं चलने दिया। लेकिन उसको छोड़ने की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। कैसी कीमत? क्या कर रहे हैं आप? हमारे होते हुए हम ये सब करने नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, आओ। अरे क्या हुआ, बैठो। अरे बाबा बैठो ना, बैठो। हाँ अब बताओ, क्या कह रही थी तुम कि तुम ऐसा होने नहीं दो? यही बोल रही थी ना। सुनो, हम पता है क्या करेंगे, हमने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बता देंगे, और तुम्हारे पिताजी जब इस हरकत को जानेंगे तो बेचारे शर्म से मर जाएंगे। अब तो होने दोगी ना? ऐसे मत कीजिए प्लीज, प्लीज हमें मंजूर है। क्या कहा? मंजूर है। दिस इज लाइक अ गुड गर्ल। ये तुमने क्या किया? तो और हम क्या करते? और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब ना हम चुप रहेंगे, ना उस हैवान को तुम्हारे साथ सोने देंगे। ये सब हम कैसे करेंगे? एक रास्ता है हमारे पास। पल्लू, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को जला रहे हो? क्या करूं भाभी, मेरे नसीब में खुशियां लिखी ही नहीं है। घर बैठ, अपनी नसीब को कोसना बंद करो। तुम्हारे साथ जो भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई है। हमें पता है
तुम सोनिया को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। भाभी, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं। गलत सोच रहे हो तुम, सोनिया भी तुम्हें पसंद करती है। क्या है ना, तुम्हारे बड़े भाई की गंदी नजर सोनिया पर है, तभी तो वो नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी सोनिया से हो। हमारी बात ध्यान से सुनो। आज रात जगदीश सोनिया के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता है। क्या? बचा लो अपनी सोनिया। जाऊंगा मैं यहाँ से, लेकिन अकेले नहीं, सोनिया को साथ में लेकर। चल चल, लग जाएगी। पागल हो गया क्या तू? हाँ पागल हो गया, देखेगा तू मेरा पागलपन। लग जाएगी, तू वैसे नहीं मानेगा। तू रुक रुक, तू गलत नहीं किया भाभी, इसी के लायक चाहिए। हमारी बात मान, तुम ये शहर छोड़कर भाग जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मैंने क्या गुनाह किया है? ये सोनिया के साथ जबरदस्ती करा था, तो सोनिया को बचाया भाभी। हाँ, पर ये बात तुम अपनी माँ को कैसे समझाओगे? वो तो तुम्हें गलत समझेगी ना। मेघा सही कह रही है, तुम्हें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। एक बार यहाँ मामला ठीक हो जाए ना, फिर हम शादी कर लेंगे पक्का। सच में हम शादी करेंगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं जाता हूँ। अपना जब बल्लू और हमारे पति के झगड़े की आवाजें सुनाई दी तो हम भाग कर इस कमरे में आए और देखा बल्लू चाकू से हमारे पति का खून कर दिया। पर बल्लू ने अपने बड़े भाई को क्यों मारा है? बल्लू हमारी दोस्त सोनिया से शादी करना चाहता था, लेकिन हमारे पति शादी के खिलाफ थे और इस बात का गुस्सा बल्लू को बहुत था। उसने गुस्से में चाकू से हमारे पति को खून कर दिया। बल्लू कहीं भी दिखे ना तो उसे गोली मार दो, उसे फांसी लगा दो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसे छोड़ना नहीं। देखिए आप लोग हिम्मत रखिए, पर सबसे पहले हमें बल्लू को ढूंढना है। अगर कुछ भी पता चलेगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है पांडे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो मेघा के भौजी, आपकी बेटी यहाँ? मेरा फोन तोड़ दिया। अच्छा हुआ आपको पता चल ही गया कि हमारे बीच में संबंध है। वो क्या है ना माजी, आपके बेटे को भी पता चल गया था, पर वो हमारी सोनिया के साथ सोना चाहता था, इसीलिए हमने बल्लू को मोहरा बनाकर जगदीश को रस्ते से खत्म कर दिया। एक तीर से दो निशाने, क्या कहती हो? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया।
लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम लोगों को सजा दिलवा के रहूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दूंगी। रुक जाओ, खबरदार जो भागने की कोशिश की। सर मुझ पे भरोसा कीजिए सर, मेरे माँ की जान खतरे में सर, उन दोनों की वजह से मेरे भाई की जान चली गई सर, प्लीज सर मेरे माँ को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। सॉरी माँ जी, थोड़ा सा दर्द। रे बचाओ, पीछे रहो, पीछे रहो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू और उसकी सहेली सोनिया ने मेरे बड़े बेटे जगदीश को मार डाला और बोला ऐसे बना दिया। बल्लू ने हमें सब कुछ बता दिया। भले ही मेरा भाई गलत था, लेकिन तुम दोनों ने अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया। भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ले जाओ दोनों को। बल्लू तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। नहीं। बल्लू, बल्लू।